अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला ऐसे हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने बारबेक्यू पार्टी अरेंज की है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मलाई बोटी और चिकन टिक्का मैरिनेशन कर रही हूँ। तो इसकी पार्टी की वीडियो जो है वो मैंने पहले अपलोड कर दी हुई है, तो आज जो है वो रेसिपी की वीडियो जो है वो मैं आपको दूंगी। तो आप भी अपने घर बारबेक्यू पार्टी अरेंज कर सकते हैं और बहुत ही इजी मेथड से ये रेसिपी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। तो बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको टेस्ट मिलेगा, जैसे आप बाहर बैठे बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हों, तो लेकिन कम बजट में और इतना सारा और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हुए जो आप घर बनाएंगे उसका मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन को अलग-अलग कर लिया था और हड्डी वाले चिकन को अलग-अलग कर लिया था और जो लेग पीस थे उन पे कट लगा दिया था। तो सबसे पहले हम चिकन टिक्का मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.25 किलो के करीब चिकन लिया था और 4 खाने के चम्मच दही जाएंगे इसमें, 4 ही खाने के चम्मच इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट जाएगी, 2 से 3 लेमन जूस के क्यूब्स जाएंगे इसमें और मसालों में 1 खाने का चम्मच भर के नेशनल का टिक्का मसाला, आप तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं, और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, 1 ही खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/2 गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और नमक हसब ज़रूरत, और मिल्क पैक क्रीम जाएगी इसमें 1/2। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम मैरिनेशन कर लेंगे। इसकी मैरिनेशन को आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, तब भी जो है रिज़ल्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा। तो एक और चीज़ जो मैं डालना भूल गई थी वो था ऑयल। ऑयल आपने इसमें 2 से 3 चम्मच डालने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बस इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन को हम चिकन के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट पे इसमें मैंने फूड कलर डालना था बट मेरे पास नहीं था, तो मैंने हल्दी डाली है इसमें, थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, और ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। और अब नेक्स्ट हम बोनलेस मलाई टिक्के की मैरिनेशन रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है, नमक हसब ज़रूरत, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 लेमन क्यूब्स जाएंगी इसमें, और ये वही पेस्ट है और ये 2 खाने के चम्मच जाएगी, और 5 खाने के चम्मच इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही आपका जो है वो गाढ़ा सा हो तो बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी, और 1/2 मिल्क पैक क्रीम जाएगी इसमें। और ये हरी मिर्चों और अदरक और लहसुन की पेस्ट है, तो ये 2 खाने के चम्मच जाएंगे इसमें, और बाकी सारे मसाले इसमें जाएंगे। मसाले जो हैं वो बोनलेस मलाई टिक्के में मैंने लाइट ही रखे हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए स्पेशल बना रही थी मैं, तो इसीलिए इनमें मसाले और हर चीज़ जो है वो मैंने लाइट लाइट ही रखी है। तो अगर आपने बोनलेस मलाई टिक्का स्पाइसी खाना है तो आप सारी चीज़ों की रेशियो जो है वो ज़्यादा कर दें, तो ये कम या ज़्यादा करना जो है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो यहाँ लाइट ही बना रही थी क्योंकि बच्चों ने खाना था।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से बोनलेस मलाई टिक्के की मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन टिक्के की मैरिनेशन भी रेडी है और बोनलेस मलाई टिक्के की मैरिनेशन भी रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगी होंगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बारबेक्यू पार्टी अरेंज कीजिएगा और सबके मज़े कराइएगा। और यहाँ पे मैंने रायता भी बनाया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और इसकी मैं अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो ये काम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कूटे हुए पेस्ट का अपना ही मज़ा है। तो आप चाहें तो इसमें एक जवा लहसुन भी डाल सकते हैं। तो वो डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डालना था और ये देखिए मेरा रायता जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपनी बारबेक्यू पार्टी इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो लाजमी कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।